सरकार तो गुह खा लिया, गोबर खा लिया, तो आप खाइएगा थोड़ी देख के। सरकार डकैती करता है, आप लाइटिंग रूम में जाकर लाइटिंग क्यों छुए? हम वीडियो वीडियो बना रहे थे, अच्छा लगा हमको। ओरिजिनल था या डुप्लीकेट? नहीं ओरिजिनल था, हम सोचे कि ऐसा करेंगे तो लोग रिएक्शन में क्या बोलते हैं देखते हैं। किसी बच्चा का था या सीएमए का? नहीं बच्चा का था, एकदम कच्चा लड़की उसको सुन करके अजीब लगता है, आपको छूने में अजीब नहीं लगता? नहीं नहीं, और भी कुछ यूनिक किए हैं क्या? नहीं नहीं, अब दूध है, हम 10 क्विंटल दूध झील देते हैं, उस पर भी लोग बहुत कमेंट करते हैं, दही से नहाते हैं, दूध से नहाते हैं, तो हम आगे रहे तो करवे करेंगे ना। अच्छा कहाँ से लाते हैं इतना दूध? दूध है ना हमारे पास, हमारे अगल बगल में हमारे पास 3-3 गाय है, बगल में भैंसी है, हमारे गाँव में करीब करीब भैंसी गाय की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही दूध ले आते हैं, 10 लीटर 20 लीटर ले आते हैं, वीडियो बना लेते हैं, नहाते हैं, पीते भी हैं, ऐसा बात थोड़ी किसी नहाते हैं, पीते भी हैं, दही खाते भी है और दही से नहाते भी। भोजपुरी फिल्मों में तो यादवों का जो है कब्जा है, तो फिर भोजपुरी फिल्म में तो आपका वहाँ तो मिलेगा स्थान? मिलना चाहिए, कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मिलना चाहिए। खेसारी जी आपके यहाँ आए थे तो उनके माध्यम से तो आप वहाँ जा सकते हैं? जा सकते हैं और जाएंगे भी, जा भी सकते हैं और जाएंगे उन्हीं के माध्यम से। खेसारी जी क्यों आए थे यहाँ? यहाँ पर आए थे, हमारे यहाँ बाढ़ आई थी तो वही बाढ़ राहत जो होता है ना पैकेट देने आए थे, जहाँ जो इस सबके जो भी हमारा जो हमारा मोहल्ला है बहुत गरीब था, तो इस लोग के घर में पानी ढुकल था, तो हम बुलवाए थे उनको कि आप आइए थोड़ा नाम कमा लीजिए, तो बेचारा आए थे 5-8 या 10 गाड़ी से सामान लेकर आए थे, उसमें चूड़ा मीठा अगरबत्ती बिस्किट पानी के बोतल मोमबत्ती सब कुछ था यहाँ, मतलब जितना भी जरूरत की चीज़ें थी सारा। हाँ सर, यहाँ बांटे थे हम लोग। कभी अवधेश मिश्रा से मिले? मिले थे 10 साल पहले, 15 साल पहले मिले थे। आपके पड़ोसी है? हाँ। घर पे वो नहीं आते हैं क्या? नहीं घर पर आते हैं ना बराबर, छठ में आते हैं वो अपना घर पे। अच्छा, तो हम 15 साल पहले उन्हीं के घर पे उनसे मिलने गए थे एक बार, उसके बाद हम नहीं गए। कैसे एक्टिविटी है उनका? एक्टिविटी आम आदमी देखिए, विलेन आपको देखने में लगता है कि विलेन है, इसे करता है उसे करता है, लेकिन मतलब इस जिंदगी में सब हमारे आपके जैसा होता है ना, करेक्टर निभा लिया तो ऐसा नहीं हो गया, करेक्टर निभा लिया डकैत का तो डकैत थोड़ी हो जाता है। उस समय काफी उनका खतरनाक भोजपुरी फिल्म में रोल है। हाँ, खतरनाक रोल सही है, रोल खतरनाक है। आपके पड़ोस में एक छोटा छोटा बच्चा बोका कॉमेडी बनाता है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? बहुत, वो भी बच्चा बहुत संघर्ष किया है, बहुत अच्छा कलाकार है, तब आप हम जानते हैं आप उसको ना, आप हम जानते हैं कब, जब वो अच्छा कलाकार है, कलाकार नहीं होता तो हम आप नहीं जानते, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं, आगे आगे बढ़े और आगे बढ़े। बिमलेश यादव जी को देखिए और इनके जो कार्य करने का तरीका देखिए, अपना नौकरी को छोड़कर और वीडियो बनाने लगे, और इस उम्र में सब कुछ छोड़कर वीडियो बनाने का जज्बा देखिए, और कुछ नहीं दिखा तो अमरेश पुरी का पूरा एक्टिविटी अपने ऊपर अजमा लिए, और उन्हीं के तरह रिएक्शन करते हैं, उन्हीं के तरह डायलॉग करते हैं, उनका डायलॉग देखिएगा तो आप दंग रह जाइएगा, क्योंकि इनका डायलॉग जो देखिएगा तो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों जगह आप देखेंगे तो काफ़ी वायरल हो रहा है।